हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, शायद थंबनेल में देख चुके होंगे आप लोग, तो आज मैं एक बिगिनर्स और अफोर्डेबल मेकअप शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं जो मेकअप मतलब शेयर करने जा रही हूँ बिगिनर्स मेकअप, वो बिगिनर्स के लिए है, मतलब जिसको ज़्यादा मतलब मेकअप करना नहीं आता और वो चाहते थोड़ा हम भी मेकअप शेकअप कर ले, और सो उसके लिए मैं ये बिगिनर्स मेकअप लेके आई हूँ। सो चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा मेकअप बिगिनर्स के लिए और भी है। ओके सो तो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके और इससे ऐसा नहीं कि ये अफोर्डेबल है, बहुत कम मेकअप है तो इससे आपका मेकअप बहुत ख़राब होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ओके मैं मेरे पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ शायद आपके मतलब शायद भूल गई थी मैं। ओके आपको अगर मतलब कोई भी मेकअप एक आर्ट है, आपको याद रखना है कि मेकअप ऐसे ही नहीं है। ओके मेकअप एक आर्ट है, सो कम मेकअप में भी आपके अगर मतलब अंदर जून है तो आप कम मेकअप से भी आप बहुत अच्छे मेकअप कर लेंगे। ओके चले तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। ओके तो आप पहले तो आपको फेस को मतलब वॉश करना है बहुत अच्छे से, कोई भी माइल्ड मतलब फेस वॉश है या DIY जो फेस वॉश या फेस पैक होती है, मैं अपने पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर मतलब आपके पास कोई अच्छा फेस वॉश नहीं है, माइल्ड फेस वॉश नहीं है, आपको मतलब आप नहीं जानते कौन सा माइल्ड होता है क्या होता है, सो डोंट वरी, तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वो मतलब इस्तेमाल कीजिए और वो सब चीज़ आपके मतलब किचन में ही होता है। और प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने दे दिया, मतलब हर वीडियो में मैं दे देती हूँ प्रोडक्ट्स का लिंक, सो आप ज़रूर देखिएगा। ओके सो देखिए यहाँ पर मैं पहले तो वॉश करने के बाद आपको अपना फेस टोन करना है। ओके उसके लिए तो आपको शायद आप सोच रहे होंगे मुझे मतलब टोनर तो बहुत महंगी होती है, नो ऐसी बात नहीं है, आप टोनर के लिए एक सिंपल सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो शायद आपके घर में है। ओके मैं मतलब यहाँ पर जो जो मेकअप आपको दिखाऊंगी सबका लिंक मैं दे दूँगी। ओके ओके आप टोनर के लिए आपके घर में ज़रूर रोज़ वाटर होंगे, ऐसा देख सकते हैं। ओके मेरा ख़त्म हो चुकी है। ओके मैं भी यूज़ करती हूँ। ओके कभी कभी जब मैं घर में रहती हूँ तो यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, टोनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो एक्चुअली जब मैं बाहर जाती हूँ तभी यूज़ करती हूँ, मतलब ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ओके तो आप ये ज़रूर लीजिएगा। ओके टोनर के लिए ओके ये बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। ओके उसके बाद आपका फेस को आपके फेस को प्राइम करना है। ओके ताकि आपका जो पोर्स है वो लॉक हो जाए। ओके और आपका मतलब एक मेकअप के लिए बेस होता है। ओके बेस चाहिए तो वो बेस मिल जाए, तो उसके लिए आपके पास एलोवेरा जेल होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके तो उसके लिए एलोवेरा जेल शायद 15 रुपीज़ के सेशन में भी मिल जाती है, तो आप मैं लिंक में दे दूँगी, उसका भी लिंक में दे दूँगी, मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपको पहले भी बोल चुके जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी सब दिखाऊँगी आपको, सबका लिंक दे दूँगी, तो नो टेंशन। तो 15 रुपीज़ के भी आते हैं ऐसा प्राइमर के लिए आपको चाहिए ऐसा एलोवेरा जेल। ओके एलोवेरा प्राइमर को आप जब यूज़ करो तब फिंगर टिप से यूज़ करो। ओके फिंगर टिप से ऐसा धीरे धीरे ऐसे लगाइए। सो प्राइमर के बाद आपको चाहिए एक अच्छा सा फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे आप सोच रहे होंगे, मेरे स्किन किसके स्किन ड्राई है, किसके स्किन ऑयली है। आप अगर मतलब बिगिनर्स है या मतलब आपको थोड़ा सा आता है मेकअप करना, ओके थोड़ा बहुत आता है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप सीसी क्रीम यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके मैं आपको दिखाती हूँ, आपको फाउंडेशंस भी दिखाऊंगी बिगिनर्स के लिए कौन सा अच्छा होता है। फाउंडेशंस के लिए आप ये सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये है लैक्मे का 925 सीसी क्रीम। ओके सो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आप जब अप्लाई करोगे तो आपका मतलब कहीं पर ऐसा होता है ना रह जाता है, मतलब स्किन से उठ जाती है, आपका स्किन से नहीं उठेगा। आप अगर अच्छे से फेस क्लीन कर लिया, प्राइमर टोनर यूज़ कर लिया, तो सीसी क्रीम यूज़ करने के बाद आपका फेस में कोई ड्राइनेस या मतलब ऐसा होता है क्योंकि फेस आपका नहीं होगा। सो ये आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है ये लैक्मे सीसी क्रीम, ये तो हो गया सीसी क्रीम। ओके देन फाउंडेशन चाहते हैं एक अच्छा, तो आप उसके लिए एक ऐसा लैक्मे का फाउंडेशन आता है। ओके ये लिक्विड वाला है, बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं ये लैक्मे का परफेक्शन लिक्विड फाउंडेशन है, इसे भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड लिक्विड फॉर्म में आता है, देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा आपका फेस को ऐसे मतलब वाइट कर नहीं देगा, नहीं करेगा, बहुत एक अच्छा सा फिनिश देता है। अच्छा देख चुके हैं ये, देखिए देखिए मेरा ये वाला हैंड्स देखिए और ये वाला हैंड्स देखिए, आपको शायद कुछ डिफरेंस पता चल जाएगा,
देख रहे हैं, आप ये लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। उसके बाद आपका मतलब जो फाउंडेशन सीएसी से क्रीम आपने लगाया है उसके लिए आपको आपका फेस को तो सेट करना होगा ना, तो मतलब जिसका ऑयली स्किन है उसका तो मतलब ऐसे मेल्ट हो जाएगा। सो आपको एक पाउडर चाहिए जो आपका मतलब फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर दे। सो उसके लिए आपको कोई महंगी कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए, ओके। आप ऐसा वाला व्हाइट टोन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इससे मतलब बहुत अच्छे से आपका मेकअप सेट हो जाएगा। मैं मतलब जितना भी चीज़ आपको दिखा रही है ये सब मैं पहले खुद इस्तेमाल कर रही थी, मतलब करती थी। सो वही मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, आप देख सकते हैं। आप अगर आई शेडो के लिए एक बेस चाहिए होता है, ये जो आपने एलोवेरा जेल यूज़ करते हो, एलोवेरा जेल आपके पास होगी, उससे आप थोड़ा आईलिड पे लगाइए, ओके। आईलिड पे लगाने के बाद उसे अच्छे से ऐसा मतलब मसाज कर लीजिए आपका आई पे। देन आप थोड़ा सा फाउंडेशन या सीसी क्रीम ले सकते हैं, उसके ऊपर लगाइए। उसके बाद मतलब ऐसे जब फाउंडेशन लगा मतलब लगाएंगे ऐसे मतलब घिस घिस के मतलब है ऐसे ऐसे मतलब थोड़े से डब 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 करके लगाएंगे। बाद आप मतलब ये जो व्हाइट क्रीम पाउडर मैं दिखा रही हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे लगा दीजिए उस पर डब 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 मतलब अच्छे से। उसके बाद ही आप कोई भी आई शेडो यूज़ कीजिए। और उसके बाद आता है आपका आई मेकअप, ओके। इसके बाद आपका आता है आई मेकअप। तो आप एक काम कीजिए, कोई कोई क्या करता है पहले आई मेकअप कर लेते हैं उसके बाद फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी करता है फाउंडेशन लगाने के बाद आई शेडो ये सब अप्लाई करते हैं। तो आप आई शेडो के लिए शायद सोच रहे हैं बहुत महंगी आती है आई शेडो पहले, और जो मतलब बहुत ही कम रेंज में आते हैं ऐसा बहुत ही कम रेंज में आते हैं वो एक्चुअली अच्छा नहीं होता, ओके। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी एक ऐसा वाला आई शेडो पैलेट, मतलब ये एक इसको आइजिन SFR का है, SFR कलर आइज 5-in-1 आई शेडो। इसको आप बहुत सारी मतलब चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका आई शेडो, ओके, आई शेडो, देन आपका ब्लशर, देन आपका हाइलाइटर्स, ओके। तीन चीज़ें और बहुत सारे, जैसे कि आपको कंट्रोल करना है आपका मतलब चीक्स थोड़ा पाती है तो उसको थोड़ा सा कट करना है, तो उसके लिए आपके पास जो ये कलर दिया हुआ है ना इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। देन इसके बाद आपको चाहिए आईज करने के बाद आपको मस्कारा चाहिए। मस्कारा के लिए मैं हमेशा से सजेस्ट करूँगी आप लैक्मे का मस्कारा ही यूज़ करें। बहुत सारे ऐसे आते हैं ब्लू हेवन वगैरह, देखिए फेस का बात है ना, स्किन का बात है, कोई भी मतलब मैं अफोर्डेबल मेकअप बताऊँगी लेकिन ऐसे भी मेकअप नहीं बताऊँगी आपको जो आपका स्किन के लिए हार्श हो, ऐसे नहीं बताऊँगी कभी भी, ओके। काजल के लिए आप ऐसा, ओके, मैंने इसको शायद आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्रेड है, इसको थ्रेड आईब्रो बोलते हैं। ये ओनली 10 रुपीज़ का है और ये ड्राई भी है, ये आपका आँखों को आपकी आँखों को मतलब कोई हर्ष नहीं करेगा, ओके। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं खुद भी इस्तेमाल कर मतलब करती हूँ, अभी भी यही लगाया मैंने। एलेटिन कैसा जो मतलब काजल लगा इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शायद मैंने जब खरीदा था ये ओनली 60 रुपीज़ का था, अब शायद पूरा दाम बढ़ गया है। आईब्रो के लिए एक चीज़ इस्तेमाल कीजिए, ऐसा वाला स्विस ब्यूटी का एक काजल सॉरी आईब्रो आता है, ओके। उससे आप पहले इसको अच्छे से इससे ब्रश भी कर सकते हैं और इसको लगाइए, ओके। तो आईलाइनर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास दो चीज़ है एलेटिन आईलाइनर, सो इसको इस्तेमाल कीजिए, ओके। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, और इस पर आईलाइनर लगाना बहुत ही दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, ऐसा वाला एक स्केच पेन की तरह स्केच आईलाइनर यूज़ कीजिए, ओके, पेंसिल की तरह पेन की तरह आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ब्लेंडर के लिए आप ऐसा वाला ब्लेंडर ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको चाहिए लिपस्टिक, ओके। किसी किसी को ऐसा होता है लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा लाइट ग्लो वाला ऐसा लिपस्टिक चाहिए उनको। तो मैंने घर पे एक DIY लिपस्टिक बनाई थी मैंने, बहुत ही अच्छा है। उस लिपस्टिक को आप चिन पे एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिंकिश वाला आपको मतलब लुक्स देता है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पे वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी, देख सकते हैं ख़त्म ही हो गया इसको इतना इस्तेमाल करते हैं। एलेटिन का लिपस्टिक ज़रूर यूज़ कीजिए, ये बहुत ही मतलब कम अफोर्डेबल में आता है और बहुत ही अच्छा है। ये मैट वाला है, इससे पहले मैंने खरीदा वो मैट वाला नहीं है, ऐसा वाला भी आता है। ये है स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक, ADS प्रो का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आईलैश यूज़ कर सकते हैं। ये है 60 नोट सारा, ओके, 60 नोट सारा, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छा होगा। इसका जो आईलैश है बहुत ही मतलब पतला होता है, थीन होता है इतना। प्राइमर के बाद मॉइस्चराइजर लगाना होगा, मैं वो भूल ही गई, ओके। उसके लिए आप ये जॉनसन का हिमालय जॉनसन का मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो आईलैश लगाने के लिए आप ये ग्लू है इसको लगाइए, ओके। मेकअप सेटिंग स्प्रे, सो ये है स्विस ब्यूटी का एलोवेरा विद विटामिन ई, एलोवेरा विद विटामिन ई है इसमें, सो आपका फेस को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो आप ये सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ कीजिए, ओके, आपका मेकअप बहुत ज़्यादा देर तक स्टे रहे। तो मेरे वीडियो आपका अच्छा लगा, सो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो बाय।